हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी सीरीज के बारे में, हम लोग टारगेट कर रहे हैं नीट को और जेडब्ल्यूई मेंस एएमयू बीटेक को। अगर आप 11th रेगुलर में हो या 12th रेगुलर के स्टूडेंट हो, भले ही आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, पीसीएम हो या पीसीबी हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। अगर चैनल में आप प्लेलिस्ट में आओगे तो 4 प्लेलिस्ट आपको वहां पर दिखाई देंगी, एक 11th/AMU BTECH के नाम से, एक 12th/AMU BTECH के नाम से, एक NEET/11th के नाम से और एक 12th/NEET के नाम से। बच्चा, अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस मिलेंगी। ऑन द अदर एंड, वहीं पे अगर आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में आते हो, यानी JEE मेंस एएमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में आते हो, तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी। मैथ्स की रोज एक वीडियो अपलोड होती है। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में हम लोगों ने रखा हुआ है कि जब बच्चा 10th से 11th की तरफ मूव करता है तो देयर इज अ ह्यूज गैप, एक बहुत बड़ा फर्क है। उस गैप को कैसे फिल करा जाए उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को 10th से जब वो 11th में आ रहा है तो उसे बहुत प्रॉब्लम ना हो, फाउंडेशन उसका इतना स्ट्रांग हो जाए कि 12th के बाद वो कोई भी एंट्रेंस आसानी के साथ क्रैक कर सके। क्योंकि जैसा आप जानते हो, जितनी स्ट्रांग आपकी फाउंडेशन होगी उतनी ही अच्छी उस पर बिल्डिंग बन पाएगी। इसीलिए हमने क्लास 11th की मैथ्स से स्टार्ट किया है और 3 चैप्टर बच्चा हमने कंप्लीट कर लिए। सेट थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है, ओके, रिलेशन एंड फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है, और अब हम आ गए 11th क्लास के चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। वेलकम टू ऑल, ओके, दिस इज ऑल अबाउट मी, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, एचओडी ऑफ मैथमेटिक्स एट यासर अली क्लासेस एंड एडू एक्सेल ऑल्सो। 7 से 8 ईयर्स का लगभग एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते हुए। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम द एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, चार्टर्ड इंजीनियर फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, ऑथर ऑफ द रैंक प्रो ऑफ मैथमेटिकल पोर्शन। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। ओके, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 11th मैथमेटिक्स बाय मी। ओके, तो बच्चा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले, इस कंटेंट में जाने से पहले मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बताता हूं, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों है, कहां से हमारी जिंदगी में ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आ गया, तो मैं उसकी बात करूंगा। इसकी हमें नीड क्यों पड़ी पहले मैं आपको बताता हूं। अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, इन रियल नंबर द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई हमारे पास रियल नंबर में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कि अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे थे वो डिफाइन नहीं था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं -4 के स्क्वायर रूट की, तो हम आंसर नहीं कर पा रहे थे, एक बड़ा सवाल हमारे सामने था। तो कुल मिला के रियल नंबर यहां फेल हो रहा था कि हम रियल नंबर का जो हमारे पास निगेटिव था, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, यानी रियल नंबर में जो हमारे पास निगेटिव वैल्यूज थी उनका स्क्वायर रूट हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। ये हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम आ रही थी, बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। सो देयर इज नो रियल नंबर, इसीलिए ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं था, कोई भी रियल नंबर नहीं था विच सेटिस्फाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन रियल नंबर में हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 =
जीरो को हम रियल नंबर में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ये हमारे पास एक बड़ा टास्क आ रहा था। ओके, ये टास्क हमारे लिए बहुत मेजर टास्क था, बड़ा टास्क था, कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो आता था तो हमें दिक्कत आने लगती थी। वजह क्या है उसकी, आप सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और ये बन रहा था एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस वन। इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। अब हमें किसी चीज की जरूरत है जो इसको सॉल्व कर दे आसानी के साथ, तो हमने क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए, कि हमने माइनस वन रूट के अंदर जो माइनस वन है उसको हमने नाम दिया आयोटा। ठीक है, ये जो रूट के अंदर माइनस वन है, ये जो रूट के अंदर माइनस वन है, इस रूट के अंदर माइनस वन को हमने नाम दिया, हम इसको एक इमेजिनरी नंबर के नाम से जानेंगे, इसको हम लोग एक इमेजिनरी नंबर के नाम से जानेंगे और वो इमेजिनरी नंबर होगा हमारा आयोटा। वो इमेजिनरी नंबर होगा हमारा बच्चा आयोटा। ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर होगा हमारा आयोटा और उस इमेजिनरी नंबर का सिंबल है ये आई। ठीक है, तो हमारे अंदर अगर अंडर रूट के अंदर माइनस यानी निगेटिव का नंबर आ जाता है तो अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर में उसका आंसर नहीं था लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, यानी अब हम इसका रूट देंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यहां से एंट्री हुई हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स की। रियल नंबर तो हमें सॉल्यूशन ही नहीं दे पा रहा था। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो को सॉल्व कर रहा था टेंथ में तो उसका आंसर मैं नहीं ला पा रहा था। आपने भी इक्वेशन क्लास टेंथ में देखी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। लेकिन अब हमें जरूरत थी कि हम अंडर रूट के अंदर, यानी अगर मुझे स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर का भी चाहिए तो मैं उसका आंसर दे सकूं, इसलिए हमने एक इमेजिनरी नंबर डिफाइन किया, दैट इज आयोटा। यानी आयोटा क्या होता है, आयोटा इज व्हाट, आयोटा इज नथिंग बट इट इज अंडर रूट के अंदर माइनस का वन। अब हमारे काम आसान होने लगे, अब मैं अंडर रूट फोर माइनस का इसका भी आंसर दे सकता हूं, दैट इज टू आयोटा। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा टू आयोटा होगा, है ना। तो जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस वन है, ये एक इमेजिनरी नंबर है और उसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको आयोटा पढ़ा जाएगा। तो अब हमारा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया। अगर हम वेन डायग्राम पे देखें, अगर हम वेन डायग्राम पे देखें इसको, तो अब हमारे पास क्या है वेन डायग्राम पे, कि हमारे पास नेचुरल नंबर था, हमारे पास नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास होल नंबर आ गया, होल नंबर के बाद हमारे पास इंटीजर आ गया, इंटीजर के बाद हमारे पास रेशनल आ गया, रेशनल के बाद हमारे पास इरेशनल आ गया, इरेशनल के बाद हमारे पास रियल नंबर आ गया और यहां पर हमारा डाटा एंड हो रहा था। लेकिन अब हमारे पास एक नंबर और है जिसके अंदर ये सब आ जाएंगे, डेट इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर, डेट इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से, दिस इमेजिनरी थिंग दैट इज अंडर रूट के अंदर माइनस वन, जिसको हम आयोटा बोलेंगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चा, जल्दी से इसको नोट करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको देखते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म of a plus iota b is known as complex number, is known as complex number, where a comma b belongs to real number, जहां a और b किससे belong करते हैं, real number से belong करते हैं।
कोई भी आपने एक ऐसा नंबर लिखा जो a प्लस आयोटा b को फॉलो कर रहा है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ओके? और a और b जो है वो हमारे रियल पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां लिखता हूं 5 प्लस आयोटा 6, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? आयोटा 6 लिखो या 6 आयोटा लिखो, 5 प्लस 6 आयोटा, ये क्या है हमारा? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब बात करूं मैं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर की बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर की मैं अगर बात करता हूं, तो रियल नंबर में देखो, ये जो मेरा a प्लस आयोटा b है, इस a प्लस आयोटा b में जो b की वैल्यू है वो जीरो है. b की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो. अगर इसमें b की वैल्यू जीरो हो गई तो ये बचेगा सिर्फ a, ये बचेगा सिर्फ a, और उसको हम बोलेंगे ये हमारा प्योर रियल नंबर है. क्या है? प्योर रियल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 माइनस 3, है ना? अगर मैं बात करता हूं प्योर इमेजिनरी नंबर की, अगर मैं बात करता हूं प्योर इमेजिनरी नंबर की, प्योर इमेजिनरी नंबर क्या है? तो प्योर इमेजिनरी नंबर मतलब ये जो हमारा a प्लस आयोटा b है, इस a प्लस आयोटा b में अगर a इक्वल टू जीरो हो जाता है तो हमारा नंबर बचेगा b आयोटा की फॉर्म में, एंड दैट b आयोटा इज प्योर इमेजिनरी. फॉर एग्जाम्पल, 3 iota minus 4 iota एंड सो ऑन. बट अगर हमारा नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, जैसे कि ये हमारा कंप्लीटली इमेजिनरी कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, या फिर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है? तो कुल मिला के नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए. a और b हमारे रियल नंबर्स होते हैं, और आयोटा आप जानते हो, व्हाट इज आयोटा? आयोटा इज अंडर रूट के अंदर माइनस पर. उम्मीद है कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चा. ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, ठीक है? पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, है ना, कार्टेशियन फॉर्म. उसमें से जो सबसे बेसिक फॉर्म है जो हमने ये पढ़ी, उस फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं. मतलब ये है कि अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं, कार्टेशियन फॉर्म, व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? What is the Cartesian form of a complex number? कोई complex number है, उसकी Cartesian form क्या होगी? तो complex number को मैं denote कैसे करता हूं? Complex number को मैं लिखता क्या हूं? लिखता हूं मैं इसको z, ठीक है? और इसकी Cartesian form होती है z is equals to a plus iota b. z is equals to a plus iota b. यही इसकी क्या होती है? यही इसकी हमारी कार्टेशियन फॉर्म होती है. अब इसमें ये जो a है, ये जो a और b हमारे दोनों रियल होंगे, a और b बिलोंग्स टू रियल. अब ये जो a है, a इज कॉल्ड द रियल पार्ट, द रियल पार्ट ऑफ z, द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है? इसको लिखा कैसे जाता है? r e z. पढ़ेंगे कैसे? रियल पार्ट है z का, तो ये जो a है, ये जो a है, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है? अब ये जो आयोटा के साथ जुड़ा हुआ है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b, दैट इज व्हाट? दैट इज b इज अवर इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है. इसको लिखते हैं आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. आई एम जेड लिखते हैं इसको, डेट इज अवर इमेजिनरी पार्ट. ये क्या है हमारा? ये है बी.
ठीक है, ये हमारा बी जो है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -3 + 4 iota, अब मैंने इसमें आपसे पूछा व्हाट इज आर ई जेड, आर ई जेड का मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ये होगा डेट इज माइनस का 3। मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एम जेड, यानी इमेजिनरी पार्ट जेड का क्या है, तो आप 4 आयोटा नहीं बोलोगे, आयोटा के साथ 4 जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 4 बोलोगे। अगर आपने 4 आयोटा बोल दिया तो बात गलत हो जाएगी। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a प्लस आयोटा बी, वेयर a इज द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आर ई जेड पढ़ेंगे, और आयोटा के साथ जो b जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आई एम जेड बोलेंगे। अगर आपने इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पूरा बोल दिया, गलत हो जाएगा, सिर्फ आयोटा के साथ जो 4 जुड़ा हुआ है दैट इज अवर। जैसे मैं और ले लेता हूं एग्जांपल, मैंने लिया z इज इक्वल टू 4 + 6 iota, तो इसका रियल पार्ट जो है दैट इज 4, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज नॉट 6 iota, ओनली 6, सिर्फ 6 है। तो उम्मीद है कार्टेशियन फॉर्म समझ में आ गया होगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, इसको नोट करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूं, उसको समझाने से अच्छा ही है पहले मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं, ठीक है। चलो देखो, तुमने ये पढ़ा होगा रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी, ठीक है, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, ये तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये स्टेटमेंट सच है रियल नंबर के लिए, जानते, तो ऐसा नहीं है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सच नहीं है, ठीक है। 4 केस मेरे यहां पर बनते हैं। अगर मैं बात करूं पहले केस की, केस नंबर 1, तो लेट अस टेक ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 3, ठीक है, ए को हम 2 ले लेते हैं और बी को 3 ले लेते हैं, तो लेट अस पुट द वैल्यू। अगर मैं एलएचएस देखूं तो एलएचएस है मेरा रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है, यानी रूट 2 इंटू रूट 3, दैट इज 3 × 2 = 6, दिस इज रूट 6, और आरएचएस है मेरा अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट 2 × 3, यानी अंडर रूट 6। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो रहा है, यानी इसके लिए केस 1 तो मेरा ट्रू हो रहा है, अगर A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू 3 है तो, ठीक है। अब लेट अस टेक केस नंबर 2। अब मैं आपको केस नंबर 2 लेकर के दिखाता हूं। केस नंबर 2 में इन दोनों में से किसी एक को हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, एनी वन ऑफ देम इज नेगेटिव, किसी एक को हम क्या करते हैं नेगेटिव ले लेते हैं, तो मैं ए को नेगेटिव ले लेता हूं, आप बी को भी ले सकते हो, ए इक्वल टू -2 एंड बी इक्वल टू 3, है ना, आप चाहो तो बी इक्वल टू -3 ले लो और ए इक्वल टू 2 ले लो, किसी भी एक को नेगेटिव लेकर देख रहे हैं जस्ट, ओके। चलो तो लेट अस टेक एलएचएस, एलएचएस है हमारा रूट ए इंटू रूट बी, दैट इज रूट -2 इंटू रूट 3। अब बात को बहुत अच्छे समझेंगे, मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर नेगेटिव पहले नहीं आता था, पहले हम घबरा रहे थे, अब नहीं घबराते, अब हमें पता ही है क्या है, हम रूट -1 को आयोटा लिखते हैं, यानी दिस इज अवर रूट 2 आयोटा, भाई हाँ या ना, क्योंकि अब हम थोड़ी घबराते हैं इस चीज से,
अब तो हम इससे बिल्कुल नहीं घबराते क्योंकि अब हम इसको लिख लेंगे रूट टू आयोटा, है ना, और इनटू रूट थ्री, ये हो गया थ्री टू जा सिक्स, रूट सिक्स आयोटा। ठीक है, अब अगर मैं इसका आरएचएस लेता हूं, आरएचएस है अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट व्हाट इज ए माइनस टू थ्री, यानी माइनस का सिक्स, एंड दिस इज आल्सो सिक्स आयोटा। तो अब भी LHS is equal to RHS है, ठीक है, अब भी LHS is equal to RHS है, ये भी हमें root 6 iota मिला, ठीक है। Now, case number 3 सबसे important बनेगा, that is this, case number 3, when both is negative, अगर दोनों के दोनों negative हो जाते हैं तब क्या होगा, दोनों के दोनों negative होने का मतलब है, ए भी आपका माइनस टू हो जाए और बी भी आपका माइनस में आ जाए, यानी बी आ जाए आपका माइनस का थ्री, ठीक है। अब अगर इसका एलएचएस देखें तो डेट इज रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए का मतलब हो गया माइनस का टू माइनस का थ्री, डेट इज टू आयोटा, रूट टू आयोटा, रूट टू आयोटा इंटू रूट थ्री आयोटा, एंड रूट थ्री टू जा सिक्स, ये हो गया रूट सिक्स आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, रूट सिक्स आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। और मैं बाद में बताऊंगा कैसे आया, अभी सिर्फ बता दे रहा हूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, डेट इज माइनस का रूट सिक्स, ये बनना है हमारे पास माइनस का रूट सिक्स। जबकि अगर आप इसके आर एच एस देखोगे तो आर एच एस है हमारा रूट ए बी, रूट ए बी का मतलब हुआ माइनस का टू इंटू माइनस का थ्री, डेट इज रूट सिक्स, ये रूट सिक्स है और ये माइनस का रूट सिक्स है। तो यहां LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हो रहा, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हो रहा, इसका मतलब इस केस में ये रिजल्ट गलत प्रूफ हुआ। ठीक है, समझाने का मतलब क्या है कि भाई रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी होता है, ये रियल और कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है, बल्कि या तो ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तब ये ठीक है, या ए और बी में से कोई एक अगर नेगेटिव हो गया तब भी ठीक है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो याद रखिएगा, दिस रिजल्ट इज ट्रू व्हेन बोथ पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो, या एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, कम से कम इसमें से एक तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं चलेगा, या कम से कम एक पॉजिटिव हो, या तो ए पॉजिटिव हो या बी पॉजिटिव हो, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए तब ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू व्हेन बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चा, प्लीज नोट, इसको नोट कर लीजिए, काम में आएगा। चलिए, अब बात करते हैं आगे इसी में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये क्लैरिटी दी है, ये प्रॉपर्टी तब सही नहीं होगी जब ए और बी दोनों नेगेटिव हो जाए, ठीक है, ओके। तो लेट अस चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन इज अवर अंडर रूट के अंदर माइनस फोर इंटू अंडर रूट के अंदर माइनस का नाइन बाई फोर, अंडर रूट के अंदर माइनस फोर और अंडर रूट के अंदर माइनस नाइन बाई फोर, इसको देखेंगे। तो मेरा जो अंडर रूट के अंदर फोर है डेट इज टू, और माइनस की वजह से आयोटा, ठीक है, नाइन थ्री फोर टू
और दिस इज ऑल्सो आयोटा, टू से टू कैंसिल, दिस इज थ्री आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर. अभी अभी पढ़ाया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन. कैसे होती है वो भी बताऊंगा, अभी सिर्फ नोट कर लो. आयोटा स्क्वायर माइनस वन है, यानी ये आ गया मेरे पास माइनस का थ्री. अब माइनस का थ्री को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब हो गया ये तो रियल पार्ट है माइनस थ्री प्लस आयोटा जीरो. ये हो गई इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली फॉर्म. ठीक है, तो क्लियर है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रूट नाइन. नेक्स्ट है हमारे पास रूट नाइन प्लस रूट माइनस नाइन. अब ये भी आसान है, रूट नाइन तो थ्री का है और ये भी थ्री का है लेकिन माइनस है, डेट इज थ्री प्लस थ्री आयोटा. थ्री प्लस थ्री आयोटा जो ऑलरेडी कन्वर्ट है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म, जहां पर ए की वैल्यू थ्री दिखाई दे रही है और बी की वैल्यू भी थ्री दिखाई दे रही है. ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली है, सिर्फ जस्ट एज अ समझाने के लिए मैंने लिखा है. अब देखते हैं बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा क्या है, आयोटा की क्या चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारे सामने, वो चीज डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास आयोटा की, मैं इसी पेज पे बताता हूं. प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, ये सब कुछ मैंने ऊपर डाला हुआ है पीडीएफ में, लेकिन नोट करने में अलग मजा है, आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी. चार प्रॉपर्टी है. पहली प्रॉपर्टी, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट के अंदर माइनस वन है. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है हमारा माइनस वन. तीसरी प्रॉपर्टी, आयोटा क्यूब. व्हाट इज आयोटा क्यूब? दिस इज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा. अब आयोटा स्क्वायर माइनस वन है, इसका मतलब आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस वन इंटू आयोटा, डेट इज माइनस आयोटा. आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. एंड फोर्थ वन इज आयोटा की पावर फोर, डेट इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन. आयोटा फोर इज इक्वल टू प्लस वन. सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो ये है, फोर्थ वाली. ये समझ लो, इसकी हेल्प से बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. तो चार प्रॉपर्टी याद रखनी है. एक तो आयोटा की वैल्यू अंडर रूट के अंदर माइनस वन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर फोर की वैल्यू वन. इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे मैं आपको कितनी भी बड़ी पावर दे दूं आप आसानी के साथ निकाल लोगे. कैसे वो बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो. और ये चारों वैल्यू याद होनी चाहिए. आयोटा अंडर रूट के अंदर माइनस वन होता है, आयोटा स्क्वायर हमारा माइनस वन होता है सिर्फ, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है जबकि आयोटा की पावर फोर वन होता है. प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है, अब चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो ये हैं. इसके बाद क्या और भी कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या हमारे पास? बिल्कुल है, देखते हैं, लिखेंगे फिर समझेंगे भी. ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझो, सम ऑफ एनी फोर कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज जीरो. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. क्या कहना चाहता है वो समझाऊंगा. पहले ये समझो, जैसे वन प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ये रिजल्ट है. ठीक है, इस रिजल्ट का मतलब ये है, यानी ये क्या कह रहा है बहुत ध्यान से समझेंगे. सम ऑफ एनी फोर कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा. यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेक्यूटिव वर्ड. ये कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार आना. जैसे मैंने बोला चार कंसेक्यूटिव इवन नंबर बताओ, तो दो चार छह आठ जो लगातार है, चार कंसेक्यूटिव नंबर बताओ छह सात आठ नौ, तो वही बोल रहा है कि जब आप चार कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर लोगे आयोटा की
उनका सम हमेशा जीरो होगा, मतलब वन प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब वन होगा। वजह क्या है उसकी, वजह क्या है, वजह क्या है, आयोटा क्यूब जो है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, है ना, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से इसका सम कितना आता है, जीरो। सर इसका काम क्या करें हम, काम क्या है, अब इस प्रॉपर्टी से मैं कोई भी सवाल पूछूं, जैसे मैं पूछूं आयोटा की पावर 283 प्लस आयोटा की पावर 284 प्लस आयोटा की पावर 285 प्लस आयोटा की पावर 286, अब इसे सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर पता है जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि पावर्स कंसेक्यूटिव हैं, लगातार आ रही हैं, 283 के बाद 284, 284 के बाद 285, 285 के बाद 286, लगातार आ रही है, दैट्स व्हाई जीरो। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आयोटा की पावर्स कंसेक्यूटिव हैं तो उन चारों का सम कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलो चार चार के पेयर बनेंगे। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीग्रल्स पावर ऑफ आई, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ फोर कंसेक्यूटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज माइनस का वन। ये सम था, वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका जो होगा वो माइनस का वन होगा, मतलब मतलब ये हुआ कि अगर वन मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्यूब करोगे तो आंसर विल बी माइनस का वन, तब प्रोडक्ट में आंसर माइनस वन आएगा अगर कंसेक्यूटिव है तो, है ना। चेक कर लो, वन आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, है ना। अब देखो, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस आयोटा का स्क्वायर डेट इज माइनस वन, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, डेट इज माइनस वन। ठीक है, तो अगर कंसेक्यूटिव पावर्स हैं आयोटा की तो उनका सम तो जीरो है, लेकिन उनका प्रोडक्ट कितना है, माइनस वन है। चाहे कितनी बड़ी पावर हो, चाहे ऐसा हो, आयोटा की पावर 2000 इंटू आयोटा की पावर 2001 इंटू आयोटा की पावर 2002 इंटू आयोटा की पावर 2003 इक्वल्स टू माइनस वन ही आएगा। पावर्स लगातार होनी चाहिए, 2000, 2001, 2002, 2003, है ना, कंसेक्यूटिव हो और चार हो, चार चार का पेयर बनेगा। तो टोटल ये प्रॉपर्टी हो गई, रिपीट कर रहा हूं, पहली प्रॉपर्टी आयोटा की वैल्यू अंडर रूट के अंदर माइनस वन होगी, दूसरी प्रॉपर्टी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होगी, तीसरी प्रॉपर्टी आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होगी, चौथी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आयोटा की पावर फोर अगर है देन आंसर इज वन। अब अगर आयोटा की पावर्स कंसेक्यूटिव है, लगातार है, और आप उन्हें सम कर रहे हो तो आंसर जीरो, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर इज माइनस वन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चा। अब इन प्रॉपर्टीज से कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन लग जाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। चलो, अब इन प्रॉपर्टीज से कैसे मैं बड़े बड़े क्वेश्चन लगाता हूं वो देखते हैं। लेट अस टेक टू क्वेश्चन, सिंपलीफाई कर रहे हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं। पहला सवाल है आयोटा की पावर 2004, इसकी वैल्यू बतानी है। दूसरा सवाल है आयोटा की पावर 2015, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबको करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है। ठीक है, यानी जब भी चार पावर में जाएगा तो आंसर इज 1। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 अगर आपको याद है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ
फोर लास्ट टू डिजिट देखो, लास्ट टू डिजिट अगर आखिरी के दो डिजिट चार से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी चार से डिवाइड होगा, ठीक है। अब जैसे ही है आखिरी दो डिजिट क्या है 04, क्या 04 चार से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, यानी ये बिल्कुल आयोटा की पावर 4 के बराबर है और इसका आंसर है 1, ठीक है। लास्ट टू डिजिट क्या है 15, 15 को जरा चार से डिवाइड करो तो 4 4 16 होता है ना, जाएगा नहीं तो 4 3 12, 15 में से 12 गया 3 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो वही रिमाइंडर ले लो आयोटा 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब, दैट इज माइनस का आयोटा, इसका आंसर 1 है, इसका माइनस आयोटा। बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक बताइए, कितनी भी बड़ी पावर दे दो लास्ट के टू डिजिट देखो, अगर लास्ट के टू डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर इज आयोटा की पावर 4 मतलब 1, और अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे तो देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है, यानी रिमाइंडर 3 बच रहा था, आयोटा क्यूब दैट इज माइनस 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब अगर ये चीज मैं ऐसे पूछ लूं कि आयोटा की पावर माइनस का 2015 है, अब बताओ अब क्या करना है, हमने देखा वही 15, रिमाइंडर हमारा यहां पर क्या बचा 3 बचा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा क्यूब, और 1 अपॉन आयोटा क्यूब का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा, ठीक है। बट नोट कर लो, खतरा मान लो, कुछ भी मान लो, आयोटा डेनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, डेनोमिनेटर में नहीं आएगा, यह है हमारा डेंजर साइन, यह है हमारा डेंजर साइन, याद रखिएगा आयोटा कभी भी डेनोमिनेटर में ना जाए, यह चला गया डेनोमिनेटर पे, यानी यह हो गया हमारा खतरा, ठीक है। इसको रेशनलाइज करा, आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, दैट इज रिजल्ट हमारे पास बचा सिर्फ आयोटा, ठीक है। कभी भी हमारा आयोटा डेनोमिनेटर में नहीं जाना चाह रही है, अगर जा रहा है इट इज अ डेंजर साइन, कन्वर्ट इट एज रेशनलाइज करके उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, आयोटा की पावर 35 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 35, ये हमारा सवाल है, आयोटा की पावर 35 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 35 कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी, कार्टेशियन फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी, सही है। नाउ आयोटा की पावर 35 को अगर मैं देखूं, 35 तो 35 चार से डिवाइड करवाओगे तो 4 8 32, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3, बात समझ रहे हो ना, 35 को 4 से डिवाइड करवाओ जा तो नहीं रहा, 32 5 में से 2 गया 3, 3 क्या बचा हमारा रिमाइंडर बचा, यानी इसको लिख सकते हैं आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आयोटा की पावर 35 को मैं लिख रहा हूं माइनस का आयोटा, और ये 1 अपॉन आयोटा की पावर 35 है, यानी दिस इज 1 अपॉन माइनस का आयोटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा, है ना, और 1 अपॉन आयोटा को, आयोटा मेरा डेनोमिनेटर में खतरा हो गया, इनटू आयोटा, इनटू आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस का 1, यानी दिस इज माइनस का आयोटा। अब माइनस का आयोटा का मतलब हुआ ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा, दैट विल इक्वल टू 0, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा 0, और ये फॉर्म हो जाएगी 0 प्लस आयोटा 0 या 0 प्लस 0 आयोटा, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, तो इसी के साथ ये था हमारा पहला लेक्चर ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टार्ट करा है, आसान चैप्टर है, उम्मीद है वो 6 प्रॉपर्टी आयोटा की आप याद कर लोगे आज की क्लास देखने के बाद। कल इसको हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। ये तो कार्टेशियन फॉर्म थी, वी हैव टू गो थ्रू विद पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म एसेट्रा एंड एसेट्रा। तो अब हम एक बड़े पैरामीटर पे आ गए कि रियल नंबर को छोड़ करके कॉम्प्लेक्स नंबर में एंट्री मान लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।